दुनिया में एक ही मुद्दा है जो विकास करेगा वोट पाएगा, एक ही नेता है जो देश को ठीक ठाक करे, मोदी जी। हम तो क्लियर बतलाए जी, हम देंगे केजरीवाल को वोट। केजरीवाल को मौका दिया, उसने कुछ नहीं किया हमारे लिए। दिल्ली के अंतिम चरण के चुनावी प्रचार में बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के मंगलापुरी इलाके में बीजेपी के रोड शो की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचते ही समर्थकों में नया जोश आ जाता है। इस बार बीजेपी ने अपने दो बार के सांसद रहे रमेश बिदुड़ी का टिकट काट कर उनकी जगह रामवीर सिंह बिदुड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। इस इलाके में जाट मतदाताओं को देखते हुए जेपी नड्डा और रामवीर बिदुड़ी के साथ बीजेपी के सांसद रहे प्रवेश वर्मा भी मौजूद हैं। लेकिन रामवीर सिंह बिदुड़ी को पता है कि दिल्ली में केंद्र सरकार के काम पर उनकी सियासी नैया पार लग सकती है। बदरपुर में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बन रहा है, 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है जिसके ऊपर 6,500 करोड़ का खर्च हो रहे हैं। दिल्ली को उन्होंने तीसरा रिंग रोड दिया जिसके ऊपर 14,000 करोड़ का खर्च हो रहे हैं। 26 फ्लाईओवर्स हैं, 18 अंडरपासेज हैं। आज दिल्ली के लोग मेरठ 40 मिनट में पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में चंडीगढ़, देहरादून और जयपुर पहुँच जाते हैं, और द्वारका से 10 घंटे में मुंबई पहुँचने की व्यवस्था मोदी जी ने कर दी है। लेकिन बीजेपी जहां केंद्र सरकार के विकास काम गिनवाती है, वहीं स्वाति मालीवाल पर हुई अभद्रता के मुद्दे पर केजरीवाल को सियासी तौर पर घेरने से भी नहीं चुकती है। सांसद आपका, पार्टी आपकी, घर आपका, मुख्यमंत्री आपका, पूर्व पीए आपका, लड़ाई हुई आपके दोनों लोगों के बीच में, और इस आपका पाप भी आपका और आरोप हम पे। भाई आपकी तो वो सिर्फ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें हमारा क्या था, सब कुछ तो आप ही का था। और खुद के लिए 10 साल पूरी नहीं पड़ी। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर गुर्जर वोटों में सेंध लगाने के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी जोर लगा रहे हैं। ये सवाल पूछना जरूरी है और एक जागरूक नागरिक होते हुए आप सब लोगों को अपनी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से दूसरी बार आम आदमी पार्टी ने सही राम पहलवान को उम्मीदवार बनाया है। सही राम पहलवान छतरपुर की इन गलियों में छोटी छोटी सभाएं करके वोट मांग रहे हैं, लेकिन इस तरह के इलाकों में पानी की किल्लत एक बड़ा मुद्दा है, लिहाजा कई महिलाएं इस मुद्दे को उनके सामने उठाती हैं। 4 साल या 5 साल पहले जितनी समस्या थी उतनी आज नहीं है, ये भी एफिशिएंट करना पड़ेगा, ये भी माननी पड़ेगी, क्योंकि पहले इन कॉलोनियों में एक एक घूंट पानी के लिए प्राइवेट टैंकर लेते थे। बेटी मैं वही, तुम 5 महीने कह रहे हो, मैं 11 महीने से कह रहा हूँ। पिछली बार बीजेपी के रमेश बिदुड़ी से 3 लाख से ज्यादा वोटों से हार चुके सही राम पहलवान कहते हैं कि इस बार वो धोबी पछाड़ देंगे। सही राम पहलवान खुद भी पहलवानी कर चुके हैं। अब की बार ये जनता धोबी पछाड़ मार देगी बीजेपी में। भी बहुत ज्यादा मुद्दा बीजेपी उछाल रही है स्वाति मालीवाल का, उसके ऊपर में क्या आप लोगों के, आप समझते हैं उसका कोई सियासी नफा नुकसान को जो तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए, आप दिल्ली की जनता नहीं, देश की जनता जान चुकी है। आज उनके कर्नाटक के जो प्रत्याशी जो बाहर भाग गए वो कहां है, उनके बारे में बोला कभी उन्होंने? ये स्वाति मालीवाल का तो एक खाली षड्यंत्र बनाया जा रहा है। कर्नाटक के जो इनके प्रत्याशी थे जिनके पिताजी गिरफ्तार हैं आज, उनके बारे में बताए ना कुछ, तो लोगों को पता चलेगा ना कितनी असली वीडियो उनके सामने आ रही है। आइए अब जमीनी मुद्दे को जानने के लिए सियासी रैलियों से अलग दिल्ली के पुराने गांव मेहरौली चलते हैं। ऐतिहासिक कुतुब मीनार के पीछे बसे इस गांव में पानी, पार्किंग और सीवर की बड़ी समस्या है। लेकिन यहां सबसे पहले हमें ऑटो वाले मिले जो एक समय आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चले पोस्टर वॉर का हिस्सा रहे हैं। ये मेहरौली का कालूराम चौक है और अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं। पिछली बार
दिल्ली के अंदर जब चुनाव थे तो बहुत सारे ऑटो वालों ने आम आदमी पार्टी को पीछे वाले को बदनाम कर दिया कि सारे ऑटो वाले जो है केजरीवाल के हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कहाँ है। ऑटो वाले ने जो सपोर्ट किया केजरीवाल साहब को, केजरीवाल साहब ने क्या किया उसके लिए? भाई आपका किराया बढ़ाया है ना, किराया बढ़ाया है। ये बाइक वाले जितने निकले हैं ना, सारे ऑटो वाले रो रहे हैं अभी। काम धंधा चल रहा है कि नहीं ये तो बोलोगे? बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल काम है नहीं, बिल्कुल खत्म है काम। काम खत्म है, ओला उबर ने सारा काम खत्म कर दिया ऑटो वालों का, बाइक वालों ने। अच्छा, बाइक वाले। तो इस समय आप अपने अपने ऑटो के पीछे कोई पोस्टर लगा के नहीं घूमते? नहीं घूमेंगे, किसी को पार्टी का नहीं, सबने धोखा दिया जी। अब पोस्टर किसी का नहीं, नहीं चलाएंगे जी, किसी पार्टी ने कोई काम करके नहीं दिया जी। कोई पार्टी केजरीवाल को मौका दिया उसने कुछ नहीं किया हमारे लिए। अगर सर ये 5 साल और रहे ना तो ये ऑटो लुप्त हो जाएंगे, ऑटो डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगे। केजरीवाल जी 5 साल और रहे तो अरे तो मोटरसाइकिल चल रही, पानी एक पैसे का नहीं आता, मच्छर इतना हो रहा है यहाँ पर, दुनिया भर का मच्छर हो रहा है, पानी इतना गंदा आता है, लोग बीमार होते बीपी के। सारी दुनिया में एक ही मुद्दा है जो विकास करेगा वोट पाएगा। तो विकास कुछ हुआ है? विकास हो ही रहा है, धीरे धीरे होगा। एक दफा विकास हुआ है, सब कुछ है, बिजली है, पानी है, सड़क है। तो यहाँ क्या कुछ विकास, आप कुछ तस्वीर बदलते देखा है? हो रहा है जी, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, एकदम तो होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अच्छा, क्या क्या हुआ है? क्या हो रही है, सड़कें बन रही हैं, सड़कें बेकार थी, नालियां थी, पानी की बहुत दिक्कत थी, अब पानी भी सही आ रहा, हर तीसरे दिन पानी आ जाता है। तीसरे दिन पानी आता है? रोज पानी नहीं आता? नहीं, रोज नहीं आता, ये तीसरे रोज, पहले तो हफ्ते में आता था। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वोट करेंगे विकास के मुद्दों पर। विकास तो दिल्ली सरकार विकास कर रही है कि केंद्र सरकार विकास कर रही है? ज्यादा केंद्र सरकार पे है भैया, बसों की परेशानी है, बसें नहीं मिलती, देखो 1 बजे से बैठे हुए बस हवाई है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर करीब 20 लाख मतदाता हैं, इनमें से 10 लाख झुग्गी झोपड़ियों के वोट हैं, उसके बाद 2 लाख से ज्यादा गुर्जर वोट हैं। यही वजह है कि यहां दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार गुर्जर जाति से हैं। तो ये आपने मेहरौली के लोगों की बातचीत सुनी। इस बार दिल्ली का जो सियासी मुकाबला है वो बहुत ही दिलचस्प है और सियासी तस्वीर भी बहुत मुख्तलिफ सी है। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये पहली बार है जब लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो एक समय दो बड़े सियासी दुश्मन थे, वो अब दोस्त बन चुके हैं और उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ में है। मैं रोली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।